दोस्त से वापस ली, मेरी लापरवाही से भाग गई थी ये घर से। आज 5-6 दिन बाद मेरे भाई ने इसे पकड़ के दिया। ये जो आपको अभी पिजन दिखेगा रेड सर्कल में, तो इसको क्या हुआ है, ये बहुत दिनों से यहाँ से भटक रहा, तो अब इसको भूख लगी है और ये मेरे कश्मीरी पिजन जो 12 मंथ्स खुले ही रहते हैं उनमें आके बैठ गए हैं। तो भूख लगने के कारण अब ये मेरे बैकयार्ड में उतर के दाना चुग रहा है यहाँ पे। तो ये जो आपको ये दिख रहे हैं बाकी सारे पिजन्स, तो ये कश्मीरी पिजन्स है प्योर ब्रीड, जो कि इसलिए मैंने पाले हैं क्योंकि एक तो ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं यहाँ पे कश्मीर में, कोई इनको पाल नहीं रहा है, और दूसरा ये कि ये बच्चे पालने के बहुत ही काम आते हैं और इनका जो खर्चा है वो भी बच जाता है। आपको जितना खर्चा अपने हाई फ्लायर्स को लगता है उससे बहुत ही कम में ये मैनेज होते हैं और ये बच्चे अच्छे से पाल लेते हैं उनके, चाहे आपके फैंसी पिजन्स हो या कुछ भी हो। जो आपको अब रेड सर्कल में ये दो दिख रहे हैं, ये मेरा एक हाई फ्लायर पेयर है, तो ये भी इन्हीं के साथ रहता है। सारे जो अभी मेरे ये पिजन्स है कश्मीरी पिजन्स है, तो अभी खेत पे होंगे इन द फील्ड्स। सो अभी दो चार पेयर ही आए वहाँ से वापस, तो मैं इनको शाम को चन्ने देता हूँ क्योंकि इनके नीचे हाई फ्लायर्स और फैंसी पिजन्स के बच्चे हैं, सो देट उनको क्या है अच्छे से प्रोटीन मिले। और ये जो आपको पानी दिख रहा होगा और ये डक्स है यहाँ पे, तो उन्हीं की वजह से उनको कितना भी साफ पानी आप रखो तो वो उसमें ये मिट्टी शिटी लगा ही लेते हैं। तो ये जो आपके सामने दिख रहे हैं ये पिजन्स, अब देखते हैं कि अभी लॉफ्ट में जाती है ऊपर वाले, अगर ये इस कश्मीरी लॉफ्ट में गई तो उसके बाद हम इसको अपने ओनर को सौंप देंगे, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कबूतर ऑलरेडी हैं, तो इनको मैं उनमें मिक्स नहीं करूँगा। ये आगे आपको दिख रहा है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक पिजन हाउस ही है। ग्राउंड स्टोरी में एक ब्रीड है, सेकंड स्टोरी में दूसरी है, और थर्ड स्टोरी में जो आपको दिख रही है इसमें कश्मीरी है, टोटल कश्मीरी रहते हैं, और ये 12 मंथ्स पूरे क्या रहते हैं, खुले ही रहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट, वेदर रेजिस्टेंट भी, इनमें कोई बीमारी नहीं लगती है। मोस्टली ये दाना अपना खेतों में ही खाते हैं या तो किसी और जगह जाके खाएंगे, क्योंकि ये फ्री रेंज है, इनका उतना झंझट नहीं रहता है उनको। All the Kashmiri pigeons are returning from the fields and they will come and eat some grains here if they have half bellies full. And if this pigeon returns to the loft with Kashmiri pigeons, then we will catch him and give it back to its owner. One should not keep other pigeons at home. Alhamdulillah, we have almost about 200 pigeons in this building. So by keeping anybody's pigeon, it's not good. आपको भी किसी का कबूतर पकड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता जिस रात आपने किसी का कबूतर पकड़ा उसी रात आपकी डेथ हो गई हो, तो क्या करेंगे आप उस कबूतर का, गुनाह है। और जिसका भी कबूतर होता है उसने बड़े ही शौक से पाला होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप उसका ऑनर आपको दिखा रहा है ये पिजन। So you should always give it back. As you know, do good, have good, like and subscribe. Thanks for watching.